नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नवगर मणिकपुर मनपा कार्यालय के एकदम नजदीक प्रतिदिन होती अवैध फेरी वालों की मारामारी। मनपा प्रशासन की अनदेखी आम लोगों के लिए बनी हुई है सिरदर्द। पसई रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार से बाहर की तरफ रिक्शा स्टैंड के पास बैठने वाले फेरी वाले, जो कि गुजरात के एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं और वसई इसके वागरीपाड़ा में रहते हैं, ये सभी अवैध फेरी वाले हर रोज रास्ते के बीचों बीच फैल कर बैठ जाते हैं, जैसे हर आने जाने वाले को दिक्कत और तकलीफ से दो चार होना पड़ता है। आपको बता दें कि यह स्थान वसई नवगर मणिकपुर प्रभाग एच से काफ़ी करीब है, फिर भी प्रभाग एच के अधिकारी हमेशा मोकदर्शक बने रहते हैं। प्रभाग एच वही प्रभाग है जहां आए दिन खुद प्रभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त क्रिश्चन गोंसाल्विस रास्ते पे एक तरफ किनारे पे बैठकर धंधा करने वाले शांत, किसी को भी तकलीफ नहीं देने वाले फेरी वालों को खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनका माल सामान जब्त कर देते हैं। जबकि स्टेशन पर बैठे ये अवैध फेरी वाले, जो पूरी तरह से नशे में धुत है और एक दूसरे के साथ मारामारी कर रहे हैं, इन अवैध फेरी वालों के खिलाफ मनपा सहायक आयुक्त कार्यवाही क्यों नहीं करते, यह सवाल बड़ा है। यह मारपीट की घटना कल दोपहर की है। इस घटना के समय वहां मौजूद कुछ लोगों ने कैमरे के सामने बयान देते हुए बताया कि इन लोगों की यह मारामारी हमेशा की है। अभी हाल ही में एक दिन तो इन्होंने खुद मनपा कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। आपका नाम क्या है? जीतू पासवाल। जीतू जी, आपके इधर ये रिक्शा स्टैंड सर, रेलवे स्टेशन मेन गेट से लेकर के पूरा टुंगारेश्वर पूरा जाम रहता है और रिक्शे वाले भी जाम करके रखते हैं सर, और ऊपर से वागरी लोग दोनों टाइप धंधा लगाते हैं। धंधा लगाने के बाद इनका पूरा दादागिरी की बातें होती है और ये लोग डेली का दारू पी करके गाली गलौज करते हैं। यहाँ पर पब्लिक को भी तकलीफ है, अपनी गाड़ी भी निकलने के लिए यहाँ से तकलीफ होती है। अगर कल का कोई घटना घट गई एम्बुलेंस आने लायक की जगह नहीं है अंदर। महानगर पालिका कुछ कार्यवाही? महानगर पालिका दो दिन पहले महानगर पालिका कर्मचारी के ऊपर लोग हाथ डाले, वापस धंधा उठाए थे, वापस लगवा दिए। आपका नाम क्या है? रेमनाथ यादव। आप क्या कहेंगे? अरे बहुत तकलीफ है सर इससे। किस तरह की तकलीफ? आने जाने का और हमेशा का चौचो ये वो दिन में दो तीन बार तो आपस में ही झगड़ा करते हैं, मारी मारा करते हैं, सब दारू पी के टाइप रहते हैं हमेशा। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।